नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। नसीबात रईस यादव ने युवक को मारी टक्कर, थाने से छोड़ दिए गए आरोपी। आगरा के लोहामंडी थाना अंतर्गत एमडी रोड पर नसीबात रईस यादव की कार की टक्कर से एक युवक की जान चली गई। परेश थाना पुलिस पर बेसुध रईस यादव को थाने से ही बिना मेडिकल छोड़े जाने का आरोप लगा रहे हैं। जन्मदिन पर गरीबों को खाना खिलाने गए युवक को रईस यादव ने कार से टक्कर मार दी। राहगीर की सूचना पर आई पुलिस ने युवक को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज और नशे में धुत रईस यादव को थाने पहुंचाया। 3 दिन तक इलाज के बाद आज युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया, जबकि थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए नशेबाज रईस यादव को थाने से छोड़े जाने की बात पर फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मामला थाना लोहामंडी के अंतर्गत MG रोड आगरा कॉलेज के पास का है। यहां थाना MM गेट अंतर्गत मोती कटरा निवासी सर्राफा कारीगर सोनू अग्रवाल 3 दिन पूर्व अपने जन्मदिन के अवसर पर एक्ट्रा से गरीबों को भोजन वितरित करने गया था। तभी वहां तेज रफ्तार सेंट्रो कार UPSC BL0794 ने उसे टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार में 4 रईस यादव भयंकर नशे की हालत में थे। कार के अंदर शराब की बोतलें भी रखी थी। टक्कर के बाद रईस यादव की कार भी दीवार से टकरा गई और वो वहीं बेसुध हो गए। इस दौरान किसी राहगीर द्वारा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल की गई। परिजनों के अनुसार सूचना पर आई पुलिस ने घायल युवकों को SN मेडिकल कॉलेज भेजा और 4 युवकों को थाना लोहामंडी पहुंचाया। आज सोनू के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को बिना मेडिकल थाने से छोड़ दिया और अभी तक सिर्फ NCR ही दर्ज की गई है। पूरे प्रकरण पर SO लोहामंडी मुकदमा दर्ज होने की बात कह रहे हैं। हालांकि युवकों को छोड़े जाने की बात पर अभी तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खबर लिखे जाने तक परिजन पोस्टमार्टम से सब लेकर थाने का घेराव करने की बात कह रहे थे। वाईके सिटी न्यूज़ से संवाददाता जीशान अहमद की खास रिपोर्ट आगरा से। मार दियो मरे ने, मार दियो। क्या करता था? काम करता इनके संग, चांदी के काम पे। हाँ, नौकरी करता था। कमाई करने वाला और कौन था घर? वो ये मेरा एक ही पाप है, इसका नहीं है। एक छोटा भाई है, नहीं होगा कहीं। वो रानी अग्रवाल। रानी, क्या घटना हुई? अग्रवाल जी, क्या घटना हुई थी? एक्सीडेंट हुआ था कार और कट एक्टिवा का। उन्हें मुझे नहीं पाया। कितने कितनी शादी को कितने दिन हो गए? 3 साल। कितने बच्चे हैं? कैसी मजबूरी रखी थी? अभी कुछ नहीं है मेरे पास, पेमेंट हुए। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। 31 तारीख की रात की घटना है, 12 से 1 बजे के बीच की। खाना बांटने गया था मेरा साला है सोनू अग्रवाल, गरीब लोगों को आगरा कॉलेज में खाना बांटने गया था। पीछे से आ रही थी तेज़ रफ्तार में सेंट्रो कार, 4 लड़के ड्रिंक करके उसको सेंट्रो कार ने उड़ा दिया। 4 लड़के ड्रिंक करे हुए थे, गाड़ी के अंदर बोतलें बरामद हुई हैं। मौके बावजूद पे एमएमएट पुलिस ने 3 जनों को पकड़ा था, 3 को दिया लोमंडी थाने में। 3 में से सुबह हम गए देखने तो सिर्फ 2 जने थे, 1 को रात को छोड़ दिया, 2 को भी दूसरे दिन छोड़ दिया। सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद उसको पुष्पांजलि एमरजेंसी भर्ती कराया और मना कर दिया। उसके बाद पुष्पांजलि लेके गए, पुष्पांजलि के बाद MS हॉस्पिटल जयपुर लेके गए, SMS हॉस्पिटल, वहाँ भी जवाब दे दिया, ख़त्म हो चुका है। क्या मानते हैं? घर का अकेला कमाने वाला था। क्या मानते हैं किसकी कमी रही है इसमें? पुलिस की कमी रही है, प्रशासन की। प्रशासन ने ढील दी। 3 जने थे, कैसे छूट गए? 2 कैसे रह गए? दूसरे दोनों भी गायब थे, क्यों छोड़ दिया उनको बिना कार्रवाई करे? क्या मांग करते हैं? हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं सर, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। घर का अकेला कमाने वाला है। मेरा नाम नकुल वर्मा है। जी नकुल जी, क्या नाम है? सोनू अग्रवाल जी। मेरे यहाँ 6 साल से, करीबन 6 से 7 साल हो गए उसे काम करते हुए, और बड़ा ही नीक लड़का था, काम करता था बहुत। मेरा काफ़ी घनिष्ठ भी था प्रेम उससे। और 31 तारीख की रात को मेरे से कह के गया कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं वहाँ जा रहा हूँ,
और वो अपने दोस्त के साथ जो है बर्थडे मना के जब लौट के आया तो कुछ खाना पैक करा के लाया था कुछ गरीब लोगों के लिए, बोले खाना बांटने जा रहा हूँ, ये कह के अपने घर से वापस गया था।